सूर्यदेव के तीखे तेवरों से तंग आकर लोग बस अब ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आ जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर में सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी का आलम यह है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में बाजारों और सड़कों पर सूनापन रहता है। जहां तक हो सके जरूरी काम ना हो तो लोग घरों में निकलने से ही परहेज कर रहे हैं। बीकानेर संभाग के जिले गर्मी की तपन में तप रहे हैं। वहीं मेहनत मजदूरी करने वालों की मानो सूर्यदेव जैसे अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। बीकानेर संभाग का चूरू जिला लगातार 5 दिनों से सबसे गर्म शहर रहा है। हालांकि चूरू के मुकाबले बीकानेर जिले में तापमान में हल्की गिरावट है, लेकिन लू के थपेड़ों से यहां के लोगों के हाल बेहाल है। शुक्रवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर नौतपा खत्म होने के साथ ही तापमान में कमी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी। दूसरी तरफ भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के रणबांकुरों को भी इस भीषण गर्मी में एक तरह से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। तपते रेतीली धोरों में प्याज और पानी ही सहारा थी, तो वहीं बीएसएफ ने जवानों की बैरक के लिए बड़े कूलर मुहैया करवाना भी शुरू कर दिया है। कई चौकियों पर इसकी उपलब्धता करवाई गई। बीएसएफ के डीआईजी यशवंत सिंह कहते हैं कि गर्मी के बीच मुस्तैदी से बीएसएफ अपना फर्ज निभा रही। कुल मिलाकर बीकानेर संभाग में इस बार गर्मी ने पसीना पसीना किया हुआ है। हालांकि अब राज्य में मानसून के आने का इंतजार है। सूर्य देव की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन पेट की आग इस पर भारी पड़ती है। शायद यही वजह है कि तेज गर्मी के बीच कामगार मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कल चली आंधी ने थोड़ी सी राहत दी है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर भीषण गर्मी के बीच बीएसएफ किरण बाकुरे बड़ी शिद्दत के साथ अपना फर्ज भी निभा रहे हैं, लेकिन आम और खास के साथ साथ ये मेहनत कस लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्य देव अब बस करो। आज पारे में हल्की गिरावट भी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।